नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में निकली भर्ती 2020 के लिए, जी हां 2020 के लिए सीबीआई में आई हुई है सीधी भर्ती। जी हां, सीधी भर्ती आई है जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है, ना ही इस भर्ती में किसी प्रकार की कोई परीक्षा कराई जाएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यह सीधी भर्ती है, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। सबसे अच्छी बात है कि पूरे भारत से यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मई 2020 है। जी हां, 12 मई 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम जो सैलरी है वो 39,100 रुपए तक आप पा सकते हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हैं इस भर्ती में शामिल होने के लिए तो इस वीडियो को विस्तार से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन, मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जहां पर हम आपको सबसे पहले यहां पर दिखाने वाले हैं कि जो पोस्ट है वो है यहां पर एडवाइजर, सिविल इंजीनियर एडवाइजर के लिए यहां पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, और जिसके लिए आपको 15,600 रुपए से 39,100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। और ये आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, यहाँ पर कुल 2 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसके लिए आपकी पोस्टिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई में करवाई जा सकती है। अगर आवेदन की बात करें तो आवेदन आपको नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिन के अंदर यह भेजना है इस एड्रेस पर, जो आपको ये एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर, इस एड्रेस पर 60 दिन के अंदर आपको यह भेजना है। वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात बताई गई तो ऑफिसर अंडर द सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर होना अनिवार्य है। सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इस तरह से आपको पूरी यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 5 वर्ष का, ये सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, वहां से आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ये इसका बायोडाटा फॉर्म है जिसे आपको फिलअप करना है और 12 मई से पहले इसे आपको सेंड करना होगा। ठीक, साथ ही साथ आपको इस फॉर्म को भी यहाँ पर सेंड करना होगा।